तो सभी दोस्तों ने कहा कि जरा इतिहास से जाएं, यहाँ पर एक गड्ढा है। तो मैंने जवाब में ये कहा, कहाँ कहाँ गड्ढों से बचेंगे, चारों तरफ से गड्ढे हैं। लेकिन जब आजम बेग साहब कह रहे थे कि कल ये कहीं और थे और आज यहाँ हैं और कल कहाँ होंगे, तो मुझे बड़ा खतरा लगा इस बात से कि बहुत सारे हमारे लोग और हमारे लिए यही एक बड़ी दुश्वारी और एक मानिए कि एक सदमे की बात है। बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे साथी कल कहीं और थे, आज कहीं और हैं और कल कहीं और होंगे। अगर इसी पर हम रोक लगा सकें, अपने जज्बात पर हम अगर रोक लगा सकें, तो यकीनन हम बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं बहुत जज्बाती बात या बहुत बहुत ऊंची बात नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी बातें आपके आपकी खिदमत में रखी गई हैं। कुछ बुनियादी छोटी बातें जिस पर हम लोग गौर करने की कोशिश करते हैं, चाहे पार्टी में हो, पार्टी से बाहर हो, एक मुश्तरक कहीं कोई बैठक हो जहाँ ये गुफ्तगू अक्सर हुआ करती है, उसमें दो तीन बातें मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत रखती हैं, उनका मैं जिक्र कर दूँ। और इलाहाबाद से बेहतर और क्या जगह होगी जहाँ इन बातों का जिक्र किया जाए। हम बम्बई होकर आए, हम गुजरात होकर आए, वहाँ बहुत सारे दानिशों से हमारी मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग जो बड़े कामयाब लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, पैसे वाले लोग हैं उनसे मुलाकात हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर सिर्फ दानिश्वरों की तलाश है अगर, और जहाँ से नए जज्बात पैदा हो सकते हैं और जो जज्बात हमें दूर तक ले जा सकते हैं, तो अकबर इलाहाबादी का ये शहर इलाहाबाद इससे बेहतर क्या जगह है। एक एहसास होता है कि एक अपनी कमज़ोरी का और अपने छोटेपन का एक एहसास होता है इलाहाबाद के दानिश्वरों के बीच में आकर। लेकिन एक बुनियादी बात यह है, खुशकिस्मती की हमारी बात यहाँ कि दुबे जी यहाँ बैठे हैं, दुबे जी आपके बहुत सारे और साथी यहाँ बैठे हैं। हमने जब तसव्वुर किया था INCR का, तो यकीनन हमने उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामने रख कर किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि हम तवक्को कर रहे हैं अपने मुल्क से और अपने विराजाने वतन से कि हमें जो नहीं मिला है वो हमें मिल जाए, जो हमारा हक बनता है वो हमको मिल जाए। ये हमारा ख़ास तस्वुर नहीं था। हमारा ख़ास तस्वुर ये था कि बहुत हो लिया रोना, अब हम आगे बढ़कर पेशकश करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को, बिरादरान वतन को हम पेश करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी कुछ करके दिखाएंगे। करके दिखाया आज़ादी की लड़ाई में, और आज फिर हम कुछ करके दिखाएंगे हर मजलूम के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसको किसी के हाथ की कुव्वत की ज़रूरत है, जो हाथ थाम कर उसको आगे बढ़ा सके। और इसलिए जहाँ एक तरफ जो भी मजलूम मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनकी हमें खिदमत करनी होगी और उनकी हिफाजत करनी होगी, लेकिन ये मुसलमानों की एक मुश्तरक पेशकश होगी जो हम हिंदुस्तान के सामने रख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर मजलूम की आवाज़ बनना चाहते हैं। और सच्चाई इसी में है कि आज जो ये समझता है कि वो जुल्म हिंदुस्तान के मुसलमानों पे करेगा और कामयाब हो जाएगा, वो ये भूल रहा है कि आज वो जुल्म मुसलमान पे करेगा, वही जुल्म कल वो अपने आप पर भी करेगा, अपने आप पर और अपनी जमात पर भी करेगा। और इसलिए हमको खुशी इस बात की है कि इलाहाबाद में जहाँ अभी कमर भाई कह रहे थे कि बहुत सारे साथियों ने इसमें अपनी कोशिश और अपनी जस्तजू और अपनी खिदमत पेश करी ताकि आज मुमकिन हो सके हमारी ये मुलाकात, तो उसमें दुबे जी और उनके साथी भी रहे। और इसलिए कभी कहीं खड़े होकर ये कहना पड़े कि कौन कहता है कि हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान अलग है, गंगा जमनी तहजीब जब अलग नहीं हो सकती। और इलाहाबाद में हमारी जलसे करने वाले दुबे जी होंगे, तो फिर कौन मानेगा कि कभी हम अलग अलग हो सकेंगे या अलग अलग कभी होंगे। मैं अक्सर अपने फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे दुबे जी खड़े होकर ये कहा करता हूँ कि ये गंगा किसकी है भाई, हिंदू की है कि मुसलमान की है? मैंने तो देखा कि इसमें हिंदू स्नान करते हैं,
और कहते हैं कि हमने पुण्य का काम किया है, हमने सारे सारे ही अपने दुख खो दिए हैं, हमने अपने सारी ही गलतियों को की माफ़ी मांग ली है। लेकिन वही गंगा है जिसके पानी में मुसलमान वहाँ वजू करके नमाज पढ़ा करते हैं और दुआ किया करते हैं अल्लाह ताला से कि सभी को खुशहाल रखे और सभी को खुश रखे। ऐसा हिंदुस्तान है और वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तस्वीर यहाँ इलाहाबाद में देखने को मिलती है। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ सभी पार्टियों के लोग अक्सर जो बड़ी पार्टियाँ हमारे हिंदुस्तान में हैं उनके सभी के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हालांकि वो पार्टी की तरफ से यहाँ नहीं मौजूद हैं, वो अपनी हैसियत से आए हैं, अपनी हैसियत से खुशूसन अपनी हैसियत से आए हैं। क्या आज हम दुनिया में जो हो रहा है वहाँ जहाँ जहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे किसी चीज़ से हम सबक ले सकते हैं? क्या तहरीक मुसलमानों की नहीं और मजहब के लोगों की तहरीक कहाँ कहाँ है मुल्कों में चली है जिसने ये वहाँ वाजे कर दिया है कि हमारा वजूद है, हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारी एक पहचान है। अमरीका में क्या हमारे यहूदी साथियों ने ऐसा नहीं करके दिखाया? चाहे वो वहाँ की मीडिया हो, चाहे वहाँ की बॉलीवुड हो, चाहे वहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर्स हों, क्या उन्होंने ये दिखाया नहीं कि हम भी कुछ करके बता सकते हैं और हम भी अपनी हैसियत का यहाँ पर आपको सबूत दे सकते हैं? और आज अभी अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस में हिंदुस्तान से गए हुए लोगों ने ये साबित कर दिया कि एक पीढ़ी में वो वहाँ पर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ सकते हैं और दुनिया को मजबूर कर दिया कि दुनिया हिंदुस्तान को सीरियसली ले। उनकी किसी ने मदद नहीं की, अपने बलबूते पे गए, अपनी हिम्मत से खड़े हुए, काम किया, मेहनत की और कामयाबी पाई और उसके बाद जाकर दुनिया के सामने ये कहा कि हम नुमाइंदगी करना चाहते हैं अमेरिका की, इंग्लैंड की। अगर आज ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के बने हैं तो खैरात में नहीं बने, उन्होंने ये करके दिखाया कि जब इंग्लैंड पे एक जवाल था इंग्लैंड का और जब इंग्लैंड पे बड़ा दबाव था इकोनॉमिक, तो उनको जो ज़रूरत थी तो एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इंटरनेशनल इकोनॉमी को समझता हो, और इसलिए सभी लोगों ने ये कहा कि इनको सुनाक को हम आपका वज़ीर आज़म बनाएं, प्राइम मिनिस्टर बनाएं। सच्ची बात यह है कि यहाँ पर कोई ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में एक मुसलमान होने की हैसियत से किसी को ये हक नहीं कि वो कहे कि मेरी भी कुछ राय सुन लीजिए। हम अपने इस मुल्क में जिसमें हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर सोसाइटी हैं, वहाँ एक नुमाइंदे को, एक पार्टी के नुमाइंदे को, इलेक्टेड नुमाइंदे को ये हक नहीं कि वो कहे आप जो कह रहे हैं उसका अपना एक वजूद है, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी राय भी है कुछ, मेरी राय सुन लीजिए। तो अपनी राय बताने के लिए, अपनी राय कहने के लिए उसको उग्रवादी पार्लियामेंट में कहा जाए, इससे बढ़कर अब और क्या हो सकता है? लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। बहुत सारे लोग यहाँ अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, याद करें अलीगढ़ तहरीक जब शुरू हुई थी तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान साहब को जब वो पैसे इकट्ठे करने गए थे तो अलीगढ़ की तहरीक के ताल्लुक से उनको वहाँ क्या रिस्पांस मिलता था और किसका? गैर मुस्लिमों का नहीं, मुसलमानों के मोहल्ले में उनको क्या रिस्पांस मिला करती थी? ये रिस्पांस मिला करती थी कि अगर आप अंग्रेज़ों जैसी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यहाँ आप एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले नाच के दिखाइए जैसे अंग्रेज नाचते थे, नाच के दिखाइए तो हम आपको पैसे देंगे। जब जामिया के लिए एक हाथ फैलाकर जाकिर साहब जाकर पैसा मांगने बम्बई और गुजरात गए थे तो वहाँ पर ये कहा जाता था उनसे ये कहा जाता था कि जामिया में से इस्लामिया नाम निकाल दीजिए, आपको हम पैसा देंगे। तो गांधी जी ने खड़े होकर कहा था, भूखे मरते हो तो भूखे मर जाओ, मैं भी भूखा अगर मर जाऊं लेकिन जामिया के नाम से इस्लामिया नहीं निकाला जाएगा क्योंकि यही जामिया की पहचान है। ऐसी तहरीक
और ऐसी हमारे पास तारीख, और उस तारीख को देखते हुए आज हम कहीं कमज़ोर पड़ जाएं, आज हम मायूस हो जाएं, मैं समझता हूं कि वो सरासर हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने अपना चेहरा ना दिखाने वाली बात होगी। कि हमारी पीढ़ी जब हमसे पूछे, आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे आने वाले पूछे हमसे कि आपका जब ये मौका आया था, आज़ादी की लड़ाई आपके बुजुर्गों ने लड़ी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, लेकिन जब एक और तहरीक आज़ादी की चली थी, जब चारों तरफ से कोशिश करी जा रही थी कि हिंदुस्तान के आईन को ही तोड़ दिया जाए, उसको ही कुचल दिया जाए, तो आपने क्या करके दिखाया था? तो कम से कम खुशी हम ये तो कह पाएंगे, फख्र से हम ये कह पाएंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर इस देश को, मेरे बच्चों और अपना संभाल कर। आज तूफान है, इसमें दो राय नहीं है। आज एक तूफान आया है, और उस तूफान में हमारी छोटी सी कश्ती किस तरह से साहिल तक पहुंचेगी, आज हमारे सामने ये सवाल है। लेकिन हमने एक फैसला किया था, हजारों लोग हैं ऐसे जो एक कश्ती नहीं हजारों कश्तियों को पार लगाएंगे, और इसलिए कुछ वक्त निकाल के चलो उनसे मिल लेते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ हैं जो अपनी बात ना कह पाए होंगे, हमने पूरा वक्त ले लिया, लेकिन आज महसूस करना और एहसास करना मैं समझता हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उसकी अहमियत है। अपनी बात कह देना उसकी उतनी अहमियत नहीं है, बात कम व बेश सभी के दिल से एक ही निकल रही है, बस इस तहरीक को आगे बनाना, इसको बढ़ाना और इस कश्ती को आगे तक साहिल तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेदारी हम सब ले लें, और एक एक जिम्मेदारी लेकर एक एक कश्ती को भी अगर साहिल तक पहुंचाएगा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश इस बात की कर रहा हूं कि हमारा रابطہ बना रहे। इतनी दूर से आप लोग सब यहाँ आए, हम आए, आपसे दो घंटे तीन घंटे बात हुई, गुफ्तगू हुई, कुछ प्रेस वालों से अब बातचीत होगी, कुछ बात पहुँचेगी सब तक, कुछ नहीं पहुँचेगी। रابطہ हमारा बना रहे, और जहाँ जहाँ तक हो सके इस पैगाम को आप पहुँचा दीजिए, पैगाम को ये पहुँचा दीजिए कि आज इस बात से दिल कुछ नासाज है, इस बात से नासाज है कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गुजीदा शहर से शहर, जिस शहर का इंतज़ार था ये वो शहर तो नहीं, लेकिन वो शहर हम फिर से लाकर दिखाएं अपने अपने बच्चों को, अपने मुल्क को, अपने बिरादरान वतन को। आज ये अहद लेकर हम लोग यहाँ से जाएं, और जब अदीब भाई अपनी बीमारी में इतनी कोशिश, इतनी जुस्तजो और इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हमने तो अल्लाह ताला ने अभी बहुत वक्त दिया है, कुवत दी है, अगर वो भी हम वक्त कर दें, अपनी ज़िंदगी हम वक्त कर दें, तो यकीनन हम बहुत कुछ कमा लेंगे। आज मसला सिर्फ ये है कि हम में से कुछ लोग समझते हैं कि हम दुकान लगाकर कुछ कमाई कर लें। मैं ये कहता हूँ कि जो कमाना है वो ऊपर कमा लेना, यहाँ मत कमाओ, यहाँ पर खिदमत कर दो, ऊपर वाला आपको एक अच्छी जगह देगा, और उस जगह से बढ़कर हमारे ईमान में और कोई चीज़ है नहीं जो जगह ऊपर वाला दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारी मुलाकात होगी।